हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट एक्सेल लाइफ साइंसेस केमिस्ट्री का डिटेल सॉल्यूशन फ्रॉम ईयर 2022। जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं केमिस्ट्री का फ्रॉम गेट लाइफ साइंसेस। तो बहुत सारे व्यूवर ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा था कि सर इसका वीडियो का सॉल्यूशन कर दीजिए, इस टॉपिक का सॉल्यूशन कर दीजिए, इस क्वेश्चन पेपर का। तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी का ऑलरेडी सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर किसी स्पेसिफिक का डिमांड हुआ तो भेजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ हमें इसका भी सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर इस वीडियो के साइड में भी आ रहा होगा, तो उसको देख सकते हैं। मैं इसका क्वेश्चन पेपर का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि कंसिडर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, 2A इज प्रोडक्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज रिप्रेजेंटेड इन A, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्लॉट टू डिटरमाइन द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है गेट का। इसमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में मैंने डिस्कस किया हुआ वीडियो में, जहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दो सबस्ट्रेट दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो दो सबस्ट्रेट पर ये रेट डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए टू द पावर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, टू जो है वो पावर में आ जाएगा। अब इस R को अगर रिप्लेस करते हैं तो मैं यहाँ पर K कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा, ए स्क्वायर लिखूंगा। अच्छा, इस R को हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी, और माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि रेट क्या हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है किसका, सब्सट्रेट का, जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो जाएगा K A टू द पावर 2। अब इस माइनस डी ए को A के ये इस तरफ ले लिया और K के तरफ आ जाएगा क्या, डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे इधर ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट टू ए फाइनल, और इधर टाइम टी पे जब जीरो था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था, और जब टी इज इक्वल टू टी फाइनल टी हो गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ए हो गया। बस अब इंटीग्रेट कर देंगे। इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो इसको हम लोग ए माइनस टू लिख सकते हैं, ये ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू, और डी टी ए नॉट इज इक्वल टू ए, और इस तरफ में आएगा के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हम लोग लगा देंगे टी जीरो से टी, ठीक है, अब कर लेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर ए नॉट से ए तक लिमिट लगाएंगे, और के हो जाएगा इधर टी और जीरो टी। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ए माइनस वन माइनस वन, और अच्छा सॉरी, ये माइनस साइन भी रहेगा, माइनस साइन छूट गया, ये माइनस, ओके, ए नॉट ए के टी, बस टी माइनस जीरो। अब इसका वैल्यू, ये वैल्यू, यह वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई ए ए टू ए लिमिट और के टी। अब इसको लगा देंगे वन बाई ए माइनस वन बाई ए नॉट इज इक्वल टू के टी, वन बाई ए इज इक्वल टू, इस प्लस को उधर लेके चल गया तो के टी प्लस वन बाई हाफ हो गया, सॉरी वन बाई वन प्लस वन बाई ए नॉट, बस ये फॉर्मूला मुझे मिला। अब ये इक्वेशन जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, ये है स्ट्रेट लाइन का। इसी को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो सकता है क्या, देख लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि y की जगह पे क्या आ गया, y की जगह पर आ गया वन बाई ए, और x के जगह पर क्या आ गया t, तो स्लोप क्या हो गया k, ये हो गया ये, और इंटरसेप्ट क्या हो गया c, वन बाई ए नॉट। तो ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ये क्या होगा, x एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ t, क्योंकि यहाँ t है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, वन बाई ए, वन बाई ए। तो ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा, ये हो गया इंटरसेप्ट ए नॉट वन बाई ए नॉट, ये एक्स एक्सिस पर टी और वाई एक्सिस पर वन बाई ए नॉट, सॉरी वन बाई ए, तो ये हो गया, और स्लोप क्या हो गया इसका के। तो अब ऑप्शन देख लेंगे, तो ऑप्शन में यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में पहला ग्राफ देखिए, पहला ग्राफ है लॉग ए, लॉग ए नहीं होगा, वन बाई ए, तो सीधा आंसर इसका सी मैच कर रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। होप सो ये समझा, ठीक है, सिंपल थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगाना था और ये वाला सॉल्व हो जाता। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, आई किसका लीस्ट होगा, सबसे कम। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो क्या होगा, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो पहला अगर सबसे आउटरमोस्ट शेल से निकाला
तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे एम को इलेक्ट्रॉन निकाला तो किस में कन्वर्ट करेगा, एम प्लस ई, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकला, इसको बोलते हैं आई ई वन, आयनाइजेशन एनर्जी वन। अब इस एम से फर्दर में एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो एम टू प्लस हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, ये होगा आई ए ई टू, और इसे और निकाल दूँ तो आई ई थ्री, तो उतना जाना नहीं है, तो एम टू प्लस कंडीशन में लाना है मुझे, आई ई टू पूछ रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये है ज्यादा होगा जैसे जैसे, क्योंकि इसके पास और इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो न्यूक्लियस और क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो दूसरा वाला निकालना और ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये अब एनालिसिस कर लेते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन पर। पहला पूछ रहा है, दे रहा है एल्युमिनियम, तो यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और एटॉमिक नंबर भी याद रखना चाहिए। एल्युमिनियम का होता है 13, ठीक है, तो 13 को कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और ये हो गया 12 और 3p1, ठीक है, ये पहला हो गया। एल्युमिनियम के बाद में कौन है, सिलिकन, सिलिकन का होता है 14, तो यहाँ तक तो ये भी सेम रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, अब ये 12 हो गया तो दो यहाँ लगा देंगे 14। उसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का कितना होता है 15, तो इसको अगर हम लोग देखें तो 15, तो ये तो सेम रहेगा 10 तक, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्टेज है, तो ये वाला सेम रहेगा, यहाँ पर चेंजेस होगा 3s2 प्लस, यहाँ पर कितना लगा 15, तो 3 यहाँ आ जाएगा। और लास्ट है सल्फर, सल्फर है 16, तो ये भी सेम 3s2, 3p कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब आपको ये से 4, ये p वाला को देखना है, p ही चेंज कर रहा है, यहाँ पर ये चेंज कर रहा है, ठीक है, इसी को एनालिसिस करना है। तो p को अगर मैं और वाइटल में, p और वाइटल में कितने शेल होते हैं, ये 3, सब में 3 रहेगा, तो सबका 3, सबके लिए 3 बना दो, तो ये है, मैंने 3 बना दिया, ठीक है, तो ये हो गया सबके लिए 3। तो पहला अगर आ जाए एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम में कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फील करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फील करेगा, सिर्फ एक है यहाँ रहेगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें इस वाले में 3 है तो ऐसे रहेगा, और इस वाले में 4 है, तो 4 का मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये किसका 4 है, ये है फॉस्फोरस का, ठीक, नहीं सॉरी सल्फर का, सल्फर का, ये हो गया फॉस्फोरस का, ये हो गया सिलिकन का, और ये हो गया एल्युमिनियम का, ठीक है। अब देखिए इसको पहला निकालना है, तो पहला यहाँ से निकलेगा ये वाले से, तो ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया, तो आप दूसरा निकालना, तो दूसरा किससे निकलेगा, S2 से, ठीक है, तो S2 तो ऑलरेडी फुली फिल्ड है, इससे निकालना ज़्यादा मुश्किल है, तो इसको निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मुझे लिस्ट फाइंड आउट करना है, जहाँ से आराम से निकल जाए, तो अनपेड जहाँ पर रहेगा, लिस्ट का मतलब है अगर अनपेड देख लें तो अनपेड से निकल जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी रहेगा वहाँ से आराम से निकल जाएगा, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को देख लें, तो ये तो इसके बाद मतलब क्या है, टू पूरा फुली फील्ड है, इसमें कैसा रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, ये पूरी फुल पूरा फील्ड है, तो यहाँ से निकालना मुश्किल है। दूसरा एनालिसिस करें, ये वाला सिलिकन देखिए, हाँ सिलिकन बहुत ईजी निकलेगा, ये अनपेड है, ये निकल गया इजी, उसके दूसरा अनपेड है, ये भी निकल गया, तो सिलिकन दूसरा, दोनों आराम से निकलेगा, तीसरा अगर निकालना चाहें आई थ्री तब एस टू पे जाएंगे, तब मुश्किल होगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ईजी हुआ, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा सिलिकन। अच्छा तीसरा देख लें, फॉस्फोरस के केस में, तो फॉस्फोरस में यहाँ पर फॉस्फोरस के केस में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 3p में है, टोटल 6 होता है, यहाँ पर 3 है तो यानी हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा। अच्छा यहाँ पर सल्फर का ऐसा होगा जी, एक और अनपेड होगा, सल्फर में क्या होगा 4 होगा ना, तो 1, 2, 3 और 1, 4 हो गया, ठीक है, होप सो ये क्लियर है। तो यहाँ पर सिलिकन को इसलिए होगा क्योंकि 2 अनपेड है और उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए निकलेगा। अच्छा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, सल्फर में मैंने 3 ड्रॉ किया था, 4 उसमें रहते हैं पी ब्लॉक पी में, तो 3 के बाद में 1 इस तरह से आएगा, ठीक है, पेयरिंग अप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये कह रहा है 13 में, एज्यूमिंग द फॉलोइंग मेटल आयन विथ हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ओके हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं हम लोग 13 पर, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, तो 13 क्या कह रहा है, 13 यहाँ पे ये कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट एंथैल्पी एनर्जी, नहीं सॉरी हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका दो तरीका है, एक तो चार्ज बाय रेडियस, वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम कैसा होगा, रेडियाई से। अच्छा दूसरा तरीका ये है, पहला फैक्टर ये, और दूसरा फैक्टर होगा इसका सी एफ एस ई,
ये फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कहाँ पढ़ा था? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड, दोनों तरीके से देखेंगे। अब देखिए इसका ऑप्शन में आ जाते हैं, ये टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। अब सभी पे दो चार्ज, टू प्लस चार्ज है, तो चार्ज तो यहाँ वाला फैक्टर नहीं काम कर रहा है, तो कौन सा फैक्टर चेक कर लें? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। चलिए इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर है 22, इसका है 23, इसका है 24 और इसका है 25। अच्छा हाँ, एक चीज और, क्रिस्टल फील्ड CFSE का वैल्यू, CFSE का वैल्यू जितना कम उतना हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। CFSE का वैल्यू जितना कम या ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा, तो मुझे इन चारों में से सबसे कम वाला CFSE वैल्यू को फाइंड आउट करने का, तो वही आंसर होगा। तो देखते हैं, अच्छा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहां पर मैं लिखूंगा सीधा AR आर्गन 18 सब में होगा, और उसके बाद लिखूंगा पूरा का पूरा, मतलब 1:2:2P6 3S4P6 वो सब उतना नहीं लिख रहा हूँ, सब में कॉमन होगा, तो उसको AR18 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 4S²3D 18 यहाँ चला गया, 2 20, तो 2 20 हो गया, तो 20 यहाँ चला गया, 2 यहाँ आएगा। ठीक है, वेनेडियम में AR18 और 4S2 3D 3 होगा। अच्छा इसका क्रोमियम का थोड़ा अलग होगा, क्रोमियम क्या होगा अगेंस्ट द होल रूल जाएगा, 4S1 होगा और 3D4 होगा, क्योंकि ये सॉरी 5, ये 4 हो गया तो 2 आ जाता, तो 2 यहाँ था तो 4 यहाँ था, ये 5 हो गया। देखिए दोनों स्टेबल हो गया, हाफ फील्ड और बैटन हमेशा स्टेबल होते हैं, तो ये 4S1 क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, नहीं तो अगर इसको नॉर्मल तरीके से लिखते तो कैसे लिखते हैं, 4 2, और यहाँ पर 20 हो गया, 20 प्लस 4 24, तो ये हाफ फील्ड नहीं है, एक और मिल जाए तो हाफ फील्ड हो जाएगा, और ये फुली फील्ड है 2 वाला, तो ये क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा 5। अब दोनों ज्यादा स्टेबल है, पहले एक स्टेबल था दूसरा अनस्टेबल था, अब दोनों स्टेबल हो गए, तो ये अगेंस्ट द होल रूल फील होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम अब आ रहे हैं, ये सब क्लास 12 में पढ़ा हुआ कैसे फील करते हैं, तो मैग्नीज को देख रहे हैं, मैग्नीज कितना है 18 और ये 2 प्लस है, तो अभी कितना, अभी सिर्फ एटॉमिक नंबर पे हम बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर पे कितना 25 है, तो 4s2 और 3d कितना हो गया 20 और 5 25। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि मुझे 2 2 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, टिटेनियम 2 प्लस है, तो 2 माइनस कहाँ से होगा, 2 माइनस सबसे पहले होगा यहाँ s से, इससे माइनस होगा, तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 0 में। अब मैं जो लिखा, पहले जो लिखा था ये लिखा, जो नॉर्मल लिखा रेड कलर से, वो टाइटेनियम का नॉर्मल कॉन्फिगरेशन है। अब 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो लॉस कहाँ से करेगा, s2 से, तो अब ब्लैक वाले से लॉस वाला दिखा रहा हूँ, यानी आयनिक फॉर्म वाला दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी 0, ये भी, अच्छा यहाँ से देखिए एक यहाँ से लॉस होगा, तो एक यहाँ पर 0 हो गया और एक इससे लॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस हो गया 4। ओके, चेंजेस को मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से 0। ठीक है, तो बस ये 0 डी वाला में 2 3 4 एंड 5, तो अब हम लोग स्प्लिटिंग को कर लेते हैं। तो इसका स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, 2 स्प्लिटिंग होता था, ठीक है, तो यहाँ पर 3 रहता था, ऊपर में सिर्फ 2 रहता है, नॉर्मल तरीके से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइगेंड नहीं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और नॉर्मल ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब नॉर्मल तरीके से चलेगा, तो हम लोग कैसे फील करेंगे, यहाँ पर अगेंस्ट द रूल नहीं जाएंगे नॉर्मल तरीके से, तो यहाँ पर फील्ड होगा कितना 2 2 है, तो 1 2। ठीक, तो इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्योंकि ये लोअर में है, ये सब बताया हुआ, तो इसका डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ में क्या होता है, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू डेल्टा नॉट, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा -0.8 डेल्टा नॉट, ये आ गया स्प्लिटिंग वैल्यू, CFSE वैल्यू किसका, टाइटेनियम का, तो मैं टाइटेनियम का स्प्लिटिंग वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ 0.8 डेल्टा नॉट। ठीक है, दूसरा आ रहा है वेनेडियम का, वेनेडियम का हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये अब नेक्स्ट वाला बता रहे हैं, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये यहाँ पर स्प्लिटिंग कर ले, तो इसका स्प्लिटिंग कैसा होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ में 3 और ऊपर की तरफ में 2, तो यहाँ पर 3 को फिल करना, तो 3 को कैसे फिल करेंगे, सब नीचे ही हो जाएगा ये, तो इसका कितना वैल्यू होगा, नीचे की तरफ सब फिल हो रहा है, तो -4 इंटू 3 इंटू डेल्टा नॉट, तो ये वैल्यू कितना गया -1.2 डेल्टा नॉट, तो इसकी वैल्यू सेकेंड वाली की वैल्यू कितनी आई -1.2 डेल्टा नॉट। ठीक है, अब आ रहे हैं क्रोमियम का, क्रोमियम का 4 है, तो यहाँ पर कैसा होगा, इसका यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्प्लिटिंग, 2 ऊपर 3 नीचे की तरफ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा 4, तो 4 में क्या होगा, 1 यहाँ 1 2
तीन और चार अगेंस्ट द होम रूल नहीं जाएगा, यहीं पे पेयरिंग नहीं होगा, पहले यहाँ तीनों फील होगा फिर ऊपर फील होगा। तो आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे वाले का तो मुझे मालूम है कितना कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 से, तो 0.4 इंटू 3 इंटू डेल्टा नॉट, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया 1.2, तो इसकी वैल्यू आ गई -1.2 डेल्टा नॉट नीचे वाले का। ऊपर में भी एक है तो ऊपर वाले में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0.6 से। ऊपर में पॉजिटिव है क्योंकि ये इस ग्राउंड लेवल से ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इससे ऊपर है, तो इसमें प्लस 0.6 लिखेंगे। इसको डेल्टा और सब मैंने डिस्कस किया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अगर इसको समझना डिटेल में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो मेरे वीडियो उसको देखी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है तो एक इंटू डेल्टा नोट, तो ये वैल्यू कितना आएगा +0.6, तो अब इसको ऐड कर दो +0.6 डेल्टा नोट, तो ये वैल्यू नेट क्या हो जाएगा -0.6 डेल्टा नोट, तो इसकी वैल्यू क्रोमियम वाली कितनी आएगी -0.6 डेल्टा नोट। ठीक है, अभी तक सबसे ज्यादा टिटेनियम पे चल रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम आ जाते हैं लास्ट वन, तो इसमें पांच है, तो पांच का कैसे फील करेंगे यहाँ दिखा रहा हूँ इसका स्प्लिटिंग। तो ये हो गया ऊपर की तरफ में दो और नीचे की तरफ में तीन, तो यहाँ पर कैसे का पांच, एक दो तीन चार पांच। अब नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए -0.4 इंटू 3 और ऊपर वाले को +0.6 इंटू 2, डेल्टा नोट दोनों पर आएगा तो ये आ जाएगा 1.2 डेल्टा नोट, ये वाला -1.2 डेल्टा नोट, ये दोनों का वैल्यू माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो आएगी स्प्लिटिंग की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो चारों को कंपैरिजन कर लीजिए, इन चारों को कंपैरिजन कर लीजिए कौन सबसे वैल्यू कम है। अच्छा, ये वैल्यू माइनस होगा यहाँ पर, माइनस ये देखिए यहाँ पर माइनस, तो माइनस। अब देख लीजिए सबसे कम वैल्यू कौन सा है, ये वेनेडियम का 2+ -1.2, तो इसका मतलब है ये वैल्यू सबसे कम, तो ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा, तो आंसर इसका होगा वेनेडियम 2+। होप सो समझा, यानी बी ऑप्शन या जो भी ऑप्शन होगा, यस बी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी 13 का। चलिए ये हो गया, और नेक्स्ट आ रहे हैं, अब आ रहे हैं भाई, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी इसको पढ़कर बना रहा हूँ, सॉल्व करके बना रहा हूँ, कुछ चीज़ों को नहीं देखा तो इंटरनेट पे सर्च किया समझा और फिर आपको कर रहा हूँ, तो हो सकता है एक्सप्लेनेशन कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या मुझे करेक्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, फॉस्फाइन या PF3, NF3 और NH3। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल बोल रहा है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल में यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पूछ रहा है, इसका एक फॉर्म है NH3 और दूसरा हाइड्रोजन के साथ और दूसरा यहाँ पर फ्लोरीन के साथ, इसी का भी दो फॉर्म है, ये हाइड्रोजन के साथ और फ्लोरीन के साथ, इन चारों में सबसे बॉन्ड एंगल कम किसका होता है, बॉन्ड एंगल कम उसका होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी अपने तरफ खींचने की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा, बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा, यहाँ पर मुझे स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल चाहिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा लेस। ठीक है, तो अब इनमें से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस से ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, मोर बॉन्ड एंगल, और इसका लेस बॉन्ड एंगल, तो ये फॉस्फोरस वाला कंपाउंड होगा, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये दोनों नहीं होंगे, इन दोनों में से वही का ऑप्शन होगा फॉस्फोरस वाला। ठीक है, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। ओके, तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा, देखिए फॉस्फोरस यहाँ पर तीन क्या वन फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और इसका लोन पेयर ये क्या होगा, इसका लोन पेयर, इसी तरीके से फॉस्फोरस किसके साथ, फ्लोरीन के साथ भी फॉर्म करेगा, इसका भी लोन पेयर, लेकिन इसका लोन पेयर पार्शली किसमें पार्टिसिपेट कर जाता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर गया डबल, तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, ये sp3 है, तो ये वाला sp2 डबल हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं, इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 हुआ तो यानी बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल लेस हो जाएगा, तो इन दोनों में sp2 बॉन्ड एंगल इसका कम इसका ज़्यादा, तो इसका आंसर होगा pf3, तो इसका आंसर कौन सा होगा pf3, समझा, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कर लिया और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लिया, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक, ये भी समझा। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेक्सोस, हेक्सोस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हेक्सोस 6 कार्बन का हो गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी मैनोज इज ए C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, नहीं, डी मैनोज जो होता है वो एपिमर है
ग्लूकोज का होता है, लेकिन कार्बन नंबर टू के लिए, फोर के नहीं, फोर के लिए है गैलेक्टोज। दूसरा आ जाता है बी ऑप्शन, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन डी गैलेक्टोज इज एपिमर ऑफ, इज सी टू एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज, नहीं डी गैलेक्टोज एपिमर तो है लेकिन ये कार्बन नंबर फोर पर, इसका रिवर्स कर दिया ऑप्शन में, यहाँ लिखा सी फोर और यहाँ पर लिखा ऑप्शन में सी टू, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। आ जाते हैं सी पर, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज आर डाइस्टेरियोमर्स, नहीं डी ग्लूकोज और डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवर रोटेटरी, ये ग्लूकोज डाइस्टेरियोमर्स नहीं है, ये एनेंशियोमर्स है। एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल, सॉरी नॉन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज विथ आइडेंटिकल शेप, मतलब या वेरी सिमिलर शेप, आइडेंटिकल या शेप, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे, ठीक है। यहां पर डी फॉर्म और एल फॉर्म में क्या डिफरेंस है कि इनका जो सी फिफ्थ पोजीशन पे अल्कोहल का पोजीशन है वो लेफ्ट और राइट होगा, जिसकी वजह से ये रोटेट करके, ए रोटेट करके अगर इनको प्लेन पोलराइज लाइट पास करें तो ये रोटेट कर सकते हैं और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा हैंड है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन जब मिरर पर लगाएंगे तो ये मिरर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। कैसे, देखिए इस तरीके से, यहाँ पर ये मिरर ये है, इसको अगर हम लोग मिरर पर लगाएंगे तो ये दोनों कैसे चिपकेगा, इस तरीके से चिपकेगा, ठीक है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है लेकिन है आइडेंटिकल शेप, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनेंशियोमर्स। यस आंसर, तो अगर ये एनेंशियोमर्स होता तब ये ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डाइस्टेरियोमेरिज्म, ये गलत होगा। तो अब आ जाते हैं डी, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि, क्या बोल रहा देख लेते हैं, डी बोल रहा है कि डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर डाइस्टेरियोमेरिज्म, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज जो एक दूसरे से अलग है, किस पोजिशन पे, सी फोर पोजिशन पे, ओ एच एक लेफ्ट में दूसरे का राइट में, तो ये डाइस्टेरियोमेरिज्म, डाइस्टेरियोमर्स। डाइस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, डाइस्टेरियोमर्स का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर, ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, इमेज ड्यू टू कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर को आप कंपेयर कर रहे हैं, इनको ये इसमें कभी नहीं कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो इनको प्लेन पोलराइज लाइट पास करें तो वो डिटैच नहीं होंगे, वो कन्वर्ट नहीं होगा, रोटेट नहीं करेगा। इसमें रोटेशन पॉसिबल था डी और एल फॉर्म में, लेकिन यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर ही अलग है और इसीलिए वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होंगे। जैसे दो अलग स्ट्रक्चर को ही कंपेयर कर रहे हैं, जैसे आप सेरीन को थ्रियोनिन से स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं तो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल एज वेल एज कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसको बोलेंगे डाइस्टेरियोमर्स, ठीक है। तो अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ये भी हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ये करेक्ट है, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग है, ये एनेंशियोमर्स नहीं है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये तो बायोलॉजी वाले के लिए बहुत ईजी है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन नंबर कह रहा है डीएनए में बेसिस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, बहुत ईजी, तो सबसे ईजी क्वेश्चन यही है, डीएनए में बेसिस, जब केमिस्ट्री में इस तरह क्वेश्चन हो तो इसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए, तो ये क्या है, एडेनिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा, तो इसको तो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा हूँ, थ्रेओनिन हो जाएगा, यही होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन, एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन थायमिन, फर्स्ट ऑप्शन, चलो ये हो गया। नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर आ रहे हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, ओके, तो देखिए तीन कंपाउंड दिया है और उसका बेसिसिटी पूछ रहा है, बेसिसिटी ऑर्डर मोर से लेस की तरफ, मोर से लेस की तरफ बताना है। तो देखिए यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पहला स्ट्रक्चर जो है वो नाइट्रोजन का है, सब तीनों नाइट्रोजन एमाइन फॉर्म के हैं, NH ये। अब देखिए क्या होगा इसके साथ में, अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड भी होगा, यस यहाँ डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन तीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक दो तीन, इधर भी एक दो तीन, इसके पास में ये लोन पेयर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, रेजोनेंस, ये रेजोनेंस शो करेगा और ये अपना इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड आएगा तो ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा, यानी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इस सिंगल नाइट्रोजन पर शिफ्ट करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा, एन एन एच, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड,
और यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर। तो ये लोन पेयर एक नाइट्रोजन से दूसरे नाइट्रोजन पर ट्रांसफर किए। अब देखिए इसके पास ये एक लोन पेयर और दो बॉन्ड है, तो ये इजिली चाहेगा डोनेट कर देंगे, ठीक है, डोनेट करना नहीं एक्सेप्ट करना, इस पर कोई एक्सेप्ट कोई आ जाएगा तो इसकी बेसिसिटी इस लोन पेयर की वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी विल इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, यहीं पर लोकलाइज हो रहा है पार्टिकुलर पॉइंट, तो बेसिसिटी इसका सबसे ज़्यादा होगा सबसे पहला। तो ये वाला जो है ये है सबसे ज़्यादा इसकी बेसिसिटी होगी। सेकेंड आ जा रहे हैं, सेकेंड देखते हैं सेकेंड में कैसा स्ट्रक्चर है, सेकेंड में कुछ ऐसा है एन एक उसके बाद एन एच ऐसा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए क्या होगा कि इसके पास फिर से देखें इसके पास क्या है लोन पेयर है जैसे यहाँ था ऊपर, तो ये लोन पेयर इसको देगा जैसा पहले वाला चल रहा था, और ये वाला कहाँ पर ट्रांसफर यहाँ। एक तो तरीका ये फर्स्ट ये तरीका है, दूसरा तरीका ये हो, दूसरा इसका क्या होगा एक अल्टरनेटिव रेजोनेंस और बनेगा, देखते हैं यहाँ पर ये और ये वाला ऊपर की तरफ जैसे नीचे जा रहा है वैसे ही ऊपर चला जाए, यहाँ शिफ्ट करे, और ये वाला फिर से कहाँ शिफ्ट कर जाए, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट कर जाए, ठीक है, इस कार्बन पर, और यहाँ से इस तरह से शिफ्टिंग हो, तो यहाँ पर कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, ये वाला यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया और ये वाला कॉन्सेंट्रेट कर गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, इसका कैसा होगा, इसका होगा एन ये वाला ऐसा एस एन एच ये, और यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ होगा, और इसी की तरह इसी की वजह से चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है इसमें भी, और इसी की वजह से इसके वजह से इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन यहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शन की वजह से डाइवर्ट होने की वजह से इसकी बेसिसिटी इस पहले वाले से कम कर दी जाएगी, बेसिसिटी विल बी लेस कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो बस मुझे ऑर्डर मालूम चुके। थर्ड क्या है, थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर एन इस तरह से और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ये, तो यहाँ पर तो और ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड मूवमेंट करने की वजह से ये डबल बॉन्ड क्या होंगे शिफ्ट करेंगे, जैसे ये वाला यहाँ पर ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वही रोटेट करते रहेंगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकलाइज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनका बेसिसिटी और क्या होगा डिक्रीज करेगा विल बी लिस्ट। तो अब आ गया सबसे पहला हो जाएगा फर्स्ट ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, सेकंड के बाद फर्स्ट और फर्स्ट के बाद में थर्ड, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए ऑप्शन समझा, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। क्या करेंगे कि मॉलिकुलर कंडक्शन ऑफ मोनो ब्रोमो एसिटिक एसिड एट एंड नाइट डाइल्यूशन इज कैलकुलेटेड। अच्छा इसका वैल्यू बताना है मोलर कंडक्शन का, दैट इज कंडक्टेंस का x इंटू 10^-4 है वैल्यू दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, तो इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस का, उसको यूज करके मुझे तीसरे चौथे का निकालना है जो कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, वो चौथा है क्या जिसका फाइंड आउट करना है CH2BrCOOH, इसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है, मोलर कंडक्टेंस जिसकी वैल्यू दी हुई है x इंटू 10^ कितना -4, तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसका यूज करके तीन का यूज करके, तो एच बी आर का दिया हुआ है, चेंज करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है एच बी आर, उसके बाद दिया हुआ है के बी आर, उसके बाद दिया हुआ है सी एच टू बी आर सी डबल ओ के, ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 427.95, इसका वैल्यू दिया हुआ है 151.64, इसका वैल्यू दिया हुआ है 112.72, तो इन तीनों को मिलाकर ये बनाना, कैसे बनेगा बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर सी एच टू बी आर सी डबल ओ तो सही है, तो इसको हम लोग रखेंगे, तो ये ऐसा बनेगा सी एच टू, इसको ऐड करेंगे बी आर सी डबल ओ के, के को हटाना है, इस के को हटाना है, इसको हटाना है क्योंकि मुझे यहाँ पर एच है, तो इसको के को हटाने के लिए माइनस के बी आर कर दूँ, के बी आर को माइनस कर दूँ, तो के बी आर इसको माइनस कर देगा लेकिन माइनस बी आर भी करेगा, तो फिर से बी आर को ऐड कर दूँ विथ अलॉन्ग विथ एच बी आर, तो बस हो गया, ये के बी आर का के कैंसिल करेगा, बी आर को कैंसिल करेगा, एच यहाँ पर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या सी एच टू बी आर सी डबल ओ एच, बस इसी तरह का वैल्यू को कर दीजिए, इसके जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इसको प्लस करना है 112.72 ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू करने के बाद में
ये वैल्यू आ रहा है 389.0 3। ठीक है, अच्छा सबके साथ में शायद माइनस फोर कॉमन होगा, देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, हाँ सबका 10^-4 में दिया हुआ है, कॉमन ऊपर ही लिखा हुआ 10^-4। तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया 10^-4, माइनस फोर यहाँ लिखा हुआ, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो इसका आंसर क्या होगा 389.03। ये कैलकुलेशन होता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, समझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया रहा है कि सैंपल ऑफ बेंजीन कंटामिनेटेड विद नॉन वोलेटाइल एंड नॉन आयनिक सॉल्यूट बॉइल्स एट 0.31 हायर देन द प्योर बेंजीन, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द कंटामिनेटेड सॉल्यूशन इज। ओके, तो ये तो सॉल्यूशन से है, सॉल्यूशन से ये टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कॉरिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, कॉरिगेटिव प्रॉपर्टी डिटेल में उसके ऊपर वीडियो बनाया तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी होता है। तो बॉइलिंग मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट के वी का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो के वी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो के वी का एक अल्टरनेटिव फार्मूला होता है, जो यहाँ पर एंथैल्पी का जो वैल्यू दिया उसको यूज करके कर सकते हैं। वो क्या है उसको बताता हूँ, वो है 0.002 इंटू टी टेम्परेचर इन कैल्विन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई दैट इज एल वी एंथैल्पी का हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन। तो ये क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेकिन इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए किसमें, कैल्विन एंड ग्राम में, यूनिट पे भी ध्यान देना। चलिए तो अब यहाँ पर इस वैल्यू पर डाल देते हैं, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 80.1, तो 80.1 को हम लोग 273.0 कैल्विन में, 273 प्लस सी इज इक्वल टू कैल्विन है। तो ठीक है, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 3 8 7 15 300, ये आ गया कैल्विन, इसको मैं ध्यान रख देगा 353.1 का होल स्क्वायर। एल वी कितनी वैल्यू है 30.76, लेकिन यह है किलो जूल पर मोल, अब इसको कन्वर्ट करना है इसमें ग्राम में, सॉरी कैलोरी में, तो और किलो जूल भी, किलो कैलोरी नहीं है। तो सबसे पहले इस के को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया। जूल को हटाएंगे तो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 4.2 से। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो ये कैलोरी में कन्वर्ट कर देगा। मोल को हटाएंगे तो ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग को मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना होगा। मॉलिकुलर वेट यहाँ दिया हुआ है बेंजीन का, वो 78.1, तो इसको हम लोग हटा के कितना लिख रहे हैं 78.11। अब ये ग्राम में आ गया, ये ग्राम में है। ठीक है, तो अब पूरा का पूरा हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे इतने वैल्यू को, तो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं या आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगा 2.659 अप्रोक्सीमेटली, मैं ले रहा हूँ 2.66 ये। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे सिंपल, तो डेल्टा टी वी दिया हुआ है, डेल्टा टी वी चेंज इन कितना है 0.31 इज इक्वल टू के वी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 2.66 इंटू मोलरिटी फाइंड आउट कर लेंगे, तो अब आराम हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 2.66। चलो तो अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ रहा है कैलकुलेशन के बाद में 0.116, तो 2 डेसिमल तक कर लें, 2 डेसिमल तक तो 1 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस व्हिच ऑफ द इज और आर करेक्ट। ओके, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये है 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कोबाल्ट का कुछ कनेक्शन, ये कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें कौन सा सही कौन सा गलत है उसको थोड़ा देखकर बताना है। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट आ रहा है CONH3 इसका है 4^4 यहाँ पर 2+, क्या ये प्लेनर ज्योमेट्री शो कर रहा है, ये है पहला स्टेटमेंट। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो कर रहा है क्या, लेट अस चेक। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D2SP इसका, तो ये आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, लेट अस चेक। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 27, कोबाल्ट का तो अभी नॉर्मल मैं लिख रहा हूँ 27, अभी 2+ का नहीं। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर,
ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैसा होगा, तो अमोनिया का तो जीरो होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस टू, यही हो जाएगा प्लस टू। तो ठीक है पहले नॉर्मल कर लेते हैं, तो ए आर 18 फोर एस स्क्वायर 3D कितना हो जाएगा 20 सात 27 ये। अब मैं लिख रहा हूँ सी ओ किसके लिए 2 प्लस के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 25, दो इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। ए आर तो 18 होगा, फोर एस स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इससे लॉस होगा तो 35 हो गया। चलिए 35 का हम लोग करते हैं, ये हो गया 35। अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पर ये वाला कौन सा जगह से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, देखिए 25 लिखा हुआ है ठीक है, ये आप देखिए अब आगे कैसे लिखेंगे 4s और 3d, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस की वजह से 25 हो गया, तो कौन सा दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा s ऑर्बिटल से सबसे पहले लूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 0, तो ये कितना हो गया ये 7 ही रह जाएगा ठीक। अब इसको फिल कर देंगे, फिल कर देंगे तो ये कैसा आएगा 5 होते हैं शेल, तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7 ठीक है, ये वीक लाइगेंड है तो ये अगेंस्ट द होम रूल नहीं जाएगा, तो वीक लाइगेंड है, नहीं तो क्या हो जाता ये वाला भी शिफ्ट करता, ये पेयरिंग कर देता अनपेयर्ड वाला, तो यहाँ नहीं करेगा वीक लाइगेंड है, इसकी हिम्मत नहीं कि पेयरिंग करवाते, तो अब ये हो जाएगा ये, और इसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर 4s खाली क्योंकि अब तो 0 हो गया, तो 4s का खाली, और उसके बाद में क्या यहाँ पर 4p तो यहाँ पर इसके 3 होंगे, तो यहाँ पर अब अमोनिया कहाँ पर आएगा यहाँ पर यहाँ 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 और यहाँ, तो इनमें फिल होगा, तो ये फिल होगा एमोनिया, चार एमोनिया चार यहाँ पर फिल हो गया, तो ये तो कौन सा है ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो टेट्राहेड्रल होता है, यहाँ पर लिखा हुआ dsp2 तो आया नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये टेट्राहेड्रल होगा। होप सो समझा फर्स्ट वाला लाइक ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट बी वाला जो है, बी ऑप्शन को देखें, बी ऑप्शन में COEN3 अच्छा इथिलीन है, इथिलीन डायमाइन डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसके बारे में बात करें COEN3 3+ डज नॉट लिखा हुआ है शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हाँ ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको, इस स्टेटमेंट में चेक करना सही है कि नहीं है। तो इथिलीन बाइडेंटेड होते हैं, दो जगह से अटैक करेगा, दो जगह से अटैचमेंट होगा, तो कोबाल्ट का ऐसे बना दो कोऑर्डिनेशन E6। अब यहाँ पर इथिलीन कहाँ पर दो जगह से अटैच होगा, एक जगह यहाँ से और एक जगह इथिलीन यहाँ से और एक इथिलीन डायमाइड, सॉरी EN क्या है यहाँ से इथिलीन डायमाइड ऐसा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ठीक है। तो जब इसको मिरर पर लगाएंगे, सपोज ये मिरर है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज ये डी और एल फॉर्म वाला सेंटर में ये इस तरफ, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर EN इससे अटैच होगा, EN इससे अटैच हो जाएगा और एक EN इस तरफ आ जाएगा, तो ये फॉर्म डी हो गया और ये वाला फॉर्म एल हो गया, तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसका मतलब ये डज नॉट लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, यहाँ पे डज नॉट लिखा था, स्टेटमेंट गलत ठीक। नेक्स्ट आ रहे हैं, तो दो स्टेटमेंट गलत हो गया, अब आ रहे हैं नेक्स्ट वन थर्ड, तो ऑड वन को फाइंड आउट कर लें तब ज़्यादा आसानी होगा, तो लास्ट वन को चेक नहीं करेंगे अभी, तो चलेगा वही करेक्ट होगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहनी चाहिए, सबको चेक कर लो ज़्यादा अच्छा है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट आ रहे हैं थर्ड नंबर स्टेटमेंट, थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि CO H2O6 3+ इस पारामैग्नेटिक, तो पारामैग्नेटिक तब होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ डी ब्लॉक किसी में भी डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड हो जाए तो वो पारामैग्नेटिक होगा। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर वाटर कैसा है, वीक लाइगेंड लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुई वाटर अगर +3 कोऑर्डिनेशन या उससे हायर में रहता है जैसे +4 +5 तो ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरफ बिहेव करता है, 3 से नीचे में हो +2 +1 0 इसमें ये वीक लाइगेंड है, यहाँ तो +3 इसका मतलब यहाँ पर वाटर कैसा एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की तरफ, और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का मतलब हो गया अगेंस्ट द होम रूल फिर होगा। चलिए पाइपर नॉन चलिए करते हैं, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है दिया हुआ 27, तो यहाँ पर 27 है तो नॉर्मल करके देख लें ए आर 18
4s2 3d 20 27। अब यहाँ पर हो गया 3 प्लस 3 प्लस हो गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा 27 माइनस 3 24। तो कैसा होगा AR18, सबसे पहले तो इससे जाएगा, तो 4s का 0 और 3d में चेंजेस चेंजेस का दिखा रहा हूँ रेड कलर से, ये हो गया 0 और इससे एक लॉस होगा तो ये हो जाएगा 6। अब फिल करते हैं, तो यहाँ पर D पहले ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद S करेंगे और उसके बाद P कर देंगे, ये हो गया P। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 3D हो गया, ये 4S हो गया, ये 4D हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा 6, 1 2 3 4 5, और अगेंस्ट द होम रूल है तो यहाँ पर फिर से ये 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब अगेंस्ट द होम रूल है, वाटर इसको अगेंस्ट द होम रूल करेगा, तो ये वाला शिफ्ट काम करेगा यहाँ, और ये वाला कहाँ शिफ्ट कर जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर आगे वाटर के प्रेजेंस में। अब इसमें कैसे शिफ्टिंग होगा, सब पेयरिंग करेंगे, तो सारा पेयरिंग करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहीं चेंज कर देता हूँ। तो 6 हैं तो 6 पेयरिंग करेंगे, 4 हो गया, 2 6 हो गया, तो ये सब खाली, तो यहाँ पर अब आएगा वाटर, वाटर यहाँ गया, तो 2 यहाँ गया, 4 कितना वाटर है 6, तो 2 इधर 3 4 5 6, तो यहाँ पर पूरा का पूरा वाटर होगा राइट हैंड से। तो इसको क्या बोलेंगे D2SP3। तो यहाँ अच्छा ठीक है, खैर उतना तो हम लोग जाना नहीं, तो क्या यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये तो सारे पेयर होंगे, पेयर तो इसका मतलब है ये डायमैग्नेटिक शो करेगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है, ये भी आंसर है। अब लास्ट ऑप्शन को मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली वही ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कोबाल्ट NH3 5 Cl 2 प्लस में मेटल टू चार्ज, मेटल टू लाइगेंड टू मेटल, लाइगेंड टू मेटल, ये चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, तो इन तीनों को फाइंड आउट कर लेंगे तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस सारे क्वेश्चन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत लेंथी टाइम कंज्यूमिंग है, तो ज़्यादा सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, आपको मैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहा हूँ, लेकिन आपको अटेम्प्ट उसी को करना है जो ईजी है, जल्दी हो जा रहा है। 21st क्या कह रहा है कि ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसको मोनोक्लोरेशन ऑफ कार्बन हो रहा है HVK4, मतलब सनलाइट के प्रेसेंस में एच न्यू, ठीक है, तो इसको देख लें, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ये क्या है CH3, यहाँ पर है ये CH2 Cl, इधर एच है और इधर इथिलीन है, इथाइलिन, तो ये इथाइल ग्रुप है, इस तरफ क्या है इथाइल ग्रुप। तो अब यहाँ पर इसका किस कंडीशन में है Cl2, ये Cl2 का एडिशन हो रहा है किसके में एच न्यू, तो एच न्यू हो गया, तो यानी ये सनलाइट हो गया। सनलाइट में जब हो रहा है ये प्रोसेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और फोटोकेमिकल जितने भी रिएक्शन होते हैं सब में रेडिकल फॉर्मेशन होता है, रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है, तो रेडिकल फॉर्मेशन होगा, तो ये कैसा बनेगा कन्वर्ट करेगा, ये वाला सीधा यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक अपने तरफ शिफ्ट करा लेगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, सी मिथाइल ग्रुप, इधर CH2Cl और इस तरफ में इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या गया एक इलेक्ट्रॉन और H इस तरफ हो गया, दूसरा H जो रिलीज हुआ वो H यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से Cl2 भी ब्रेक करेगा, Cl2 भी कैसे होगा जैसे ClCl, तो ये वाला एक इधर शिफ्ट करेगा एक इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर Cl के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक Cl यहाँ चला जाएगा और एक Cl इसके साथ चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 Cl, और ये बन गया इथाइल ग्रुप इस तरफ में Cl plus HCl, ठीक है, ये बन गया, तो रेडिकल का फॉर्मेशन तो हुआ। ओके, अब ये Cl का अटैक सामने से भी हो सकता है और पीछे से घूमकर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन से हो सकता है, तो दोनों डायरेक्शन से होगा तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, एक तरफ राइट राइट साइड में होगा और एक तरफ लेफ्ट साइड में होगा, तो यहाँ पे एनेंशियमर्स का फॉर्मेशन होगा, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज स्ट्रक्चर रखिए, लेकिन दो तरीके से उसका स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनेंशियमर्स, यहाँ कंप्लीटली एक तरह का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, दोनों तरफ से कैपेबिलिटी फॉर्म करें, तो यहाँ पर पहला रेडिकल का फॉर्मेशन और दूसरा मिक्सचर होगा, हम लोग बोल रहे हैं एनेंशियमर्स, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला अब आ जाते हैं रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द अल्काइल रेडिकल इंटरमीडिएट, यस ये अल्काइल रेडिकल इंटरमीडिएट है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद कंप्लीट इन्वर्जन में होता है नहीं, कंप्लीट रिटेंशन होगा नहीं, मिक्सचर ऑफ एनेंशियमर्स फॉर्म करेंगे, तो ए और डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन ई प्लस एस, अच्छा ये मैग्नस मेंटन का इक्वेशन है,
करेक्ट स्टेटमेंट दिया, पूछना है ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला हम लोग समझते हैं ई प्लस एस, इसी क्वेश्चन को लिख लें, के वन के माइनस वन ई एस कॉम्प्लेक्स, ये ब्रेक डाउन करेगा के टू में, बनाएगा ई प्लस प्रोडक्ट ठीक है। ये लिखा हुआ स्टेटमेंट पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट आ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन के टू एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। बिल्कुल सही, देखिए वी नॉट का फॉर्मूला क्या, वी नॉट का एक फॉर्मूला तो लिखा होता है वी मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम पूछा तो वी मैक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला रहेंगे, इसका होता है के टू इंटू एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ये तो वी मैक्स दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक डिपेंड कर रहा है एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन पर ठीक है, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट कॉन्स्टेंट के टू जिसको के कैट भी कहते हैं, इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर और इस पर, तो ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ए वो बिल्कुल सही है, के टू पर डिपेंड कर रहा है इनिशियल एंजाइम। दूसरा आ जाता है फॉर लो सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रेट ठीक है। माइकलिस मेंटन इक्वेशन देख लें, सेकंड ऑप्शन आ रहा है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स इन टू एस डिवाइड बाई के एम प्लस एस। तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम, एक्स्ट्रा स्मॉल, तो वी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी मैक्स और ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और ये के एम, क्योंकि के एम प्लस एस टेंड्स टू क्या हो जाएगा के एम। कैसे, सपोज का वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6, बहुत छोटा, तो ये वैल्यू तब दोनों को ऐड करेंगे 10 प्लस 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये कितना होगा 10 ही होगा, इसलिए वही लिखा के एम लिखा ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ से नहीं हटा सकते, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ एडिशन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर ये 10 है, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है, तो ये 10 नहीं होगा, ये 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा, तो इसको नहीं हटाना, ऊपर से नहीं हटाना, जहाँ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो रहा है, कहाँ से हटाना है, जहाँ पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है। तो ये हो गया इक्वेशन, इसमें चेंज किया और सबको डिटेल में डिस्कस किया है एंजाइम चैप्टर में, जो एंजाइम का वीडियो बना रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री में बनाया है, जहाँ पर उस वीडियो को देखिए जहाँ पर मैंने डिस्कस किया है बायोकेमिस्ट्री में 20 डेज में 20 क्वेश्चन का टारगेट, वो वाला लाइव सेशन, उसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है वहीं से क्वेश्चन। तो वी नॉट किसके ऊपर डिपेंड होगी देख लो, एक हो गया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा हो गया के एम के ऊपर भी। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम, अच्छा इस अब वीमैक्स को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलो वी नॉट इज इक्वल टू वीमैक्स, देखो यहाँ लिखा हुआ के टू इंटू ई टी ये इंटू एस और डिवाइड बाई के एम। अब बताओ वी नॉट किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ई टी पर और एस पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों का इंडिविजुअली पूछा, तो दोनों का इंडिविजुअली क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि सेपरेटली देखना दोनों को साथ में देखना, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, दो सब्सट्रेट पर डिपेंड करेगा ई टी पर और एस पर, लेकिन यहाँ इंडिविजुअली पूछ रहा है वी नॉट ई टी पर डिपेंड करेगा और एस पर डिपेंड करेगा ठीक है। अब आ रहे हैं दूसरा क्या, तीसरा द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, नहीं यार कैसे, वी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ बोल रहा वी मैक्स इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ई टी, नहीं फोर्थ आ जाओ, फॉर हाई सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल रेट ऑफ प्रोडक्ट इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रेट। अब इसको चेंज कर दो फोर वाले ऑप्शन को, फोर वाले ऑप्शन के लिए ये हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, माइकलिस मेंटन को कंडीशन लगा रहे हैं कि सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अब लो नहीं है, बी वाले स्टेटमेंट में क्या था लो, अब सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत है, हाई एरो अप, तो हाई हो गया तो इसकी वैल्यू को कितना लिखेंगे, 10 टू द पावर 6 लिख दो, 8 10 लिख दो पावर में, चलो अब देखो तो वी नॉट क्या हो जाएगा डायरेक्टली, क्या ये वी मैक्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन एस है और के एम, इस एस के सामने कुछ भी नहीं है, तो सिंपल एस आएगा, फिर सिंपल के एम का वैल्यू 10 था, इसमें 10 ऐड भी करें तो इफेक्ट थोड़ा पड़ेगा, 10 टू द पावर 6 ही रहेगा, ये वैल्यू कैंसिल, यानी वी नॉट इज इक्वल टू डायरेक्टली वी मैक्स। तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सट्रेट एट हाई सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सट्रेट, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी मैक्स, और एस कुछ भी नहीं है तो एस की वैल्यू क्या लिख देंगे जीरो, तो इसका मतलब वी नॉट किस पे डिपेंड है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा ये सी होगा ये डी होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया ए बी एंड डी, ऑप्शन ये समझा। चलो नेक्स्ट आ रहे हैं ट्वेंटी थर्ड बोल रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन में दो प्रोडक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट अप्लाई होगा ठीक है। ये हो गया पीएच, ये हो गया ओएच, H2SO4, तो H2SO4 का मतलब है एच प्लस के प्रेजेंस में होगा ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसके पास लोन पेयर होगा, तो ये क्या होगा सीधा अटैक करेगा यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच है, पॉजिटिव इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वहाँ चाहेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा या इंटरमीडिएट पे क्या आएगा, देखिए ओ एच और यहाँ पर एच और इस तरफ में आ गया फिनाइल ग्रुप और इधर ये ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा कि ये है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा ऊपर, तो अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा अपने आप को, यहाँ का इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, और यहाँ से पूरा का पूरा ये एलिमिनेशन हो गया, H2O हट गया, तो अब आ जाएगा H2O बन गया यहाँ पर H2O, तो H2O बना, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर H है, इसका क्या है, H है। अब यहाँ से क्या होगा, ये अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये सॉरी डबल बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से H, अब ये क्या हो गया, स्टेबल। तो ये एक तरीका है, ये पहला बना मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा एक और प्रोडक्ट बन सकता है, ये ट्रांसफॉर्मर, दूसरा क्या बन सकता है कि ये शिफ्ट कर जाए और ये क्या बने, कुछ ऐसा, यहाँ पर ऊपर ना जाकर ये नीचे आ जाए, ये वाला, तो ये होगा स्टेबल, लेकिन ये बाइनरी प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ये मैंने प्रोडक्ट का मैकेनिज्म बता दिया, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, H2 निकल रहा है, ठीक है, तो कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है। ऑप्शन आ जाते हैं, E2 इज फॉलोड बाय आइसोमराइजेशन, नहीं, E1 इज फॉलोड S1 फॉलोड बाय आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन थ्रू द कार्बोकैटायंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है, पहला प्रोसेस E1 एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, E1 एलिमिनेशन, तो पहला स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ से एलिमिनेशन हो रहा वाटर का, E1 एलिमिनेशन, दूसरा यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और डी, ये भी समझा, आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 24, तो बहुत सिंपल है, इसमें दिया भाई को सॉल्यूशन स्क्रीन का, पीएच 7.4 है, रेशियो पॉइंट आउट करना, ए माइनस और एच ए का इक्विलिब्रियम, तो कैसे एक फॉर्मूला होता है, एंडरसन्स इक्वेशन हम लोग लगा देंगे, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ एसिड लिखा, तो यहाँ पर इधर होगा एसिड बाय सॉल्ट, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, अगर पी के ए की वैल्यू नहीं दिया तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, फॉर्मूला माइनस लॉग के ए प्लस लॉग एसिड बाय सॉल्ट, यही तो पूछ रहा है, यानी ए माइनस डिवाइड बाई एच, ये पूछ रहा है, ठीक है। पी एच दिया हुआ, पी एच की वैल्यू कितनी, 7.4 माइनस लॉग के ए की वैल्यू दी हुई 3.98 इंटू 10^-4 प्लस लॉग ए माइनस एच, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर होगा, 7.4 ये आएगा प्लस 4, इसको लॉग को एक्सपेंड करेंगे तो ये कैसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ 10^-4 फिर माइनस लॉग 3.98 प्लस लॉग ए माइनस एच 7.4, ये वैल्यू आएगा प्लस 4, ये वाला आएगा 3.94, तो कितना आएगा, मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, तो ये आएगा 0.6 प्लस लॉग ए माइनस एच ए, ये वैल्यू कितना आया 7.4, ये वैल्यू आ गया कितना 3.4, तो इधर जाएगा तो 3.4, तो ये वैल्यू कितना आ गया 4, तो लॉग ए माइनस एच ए, अब इसको एंटी लॉग कर दें, तो एंटी लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू ए माइनस एच ए, ये लॉग इधर जाएगा तो क्या होगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ 4 कितना था 10^4, 1, 2, 3, 4 10,000, जिसका आंसर होगा 10,000 या 10^4, अब सो ये समझे, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं 25th, द टोटल नंबर 25th नंबर क्या है, 25th है, टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 नंबर, टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड B4S6, तो B4H10 का ये, तो B4H10 कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो सिंपल है, B4 को चार जगह इस तरह से लगा दो और इसके कॉर्नर पर H लगाओ, और इसके एच यहाँ, एच कितना हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर एच 9, 10 और ये इससे अटैच रहेगा, ये स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ इसका, अब इसके बाद में इसको हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर देखिए कैसा हो रहा है, कितने सेंटर, ये बोला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला होगा ये वाला, एक दूसरा इसके साथ ओवरलैप करके ये, दो
तीसरा इसके साथ ओवरलैप करके ये, तीन और चौथा ये, टोटल कितने सेंटर बन रहे हैं? ये एक, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, चार। तो यहां पर ये चार सेंटर बन रहा है, तो चार इसका आंसर। वैसे को बोलते हैं बनाना बॉन्ड जो बोरॉन में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा? फोर। चलिए तो 25th का आंसर होगा फोर्थ, फोर नंबर। चलिए 26 आ रहा है, 26 का क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ वन बेंजीन टू टू। चलिए इसको देखते हैं, 26 नंबर, 26 नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ वन बेंजीन टू टू ट्रांस एस 27 डिग्रीज दिस वन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा, ठीक है, वन बेंजीन मुझे बताना किसका है, वन सॉरी ब्यूटेन का, ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ट्रांस टू ब्यूटेन, ये इसका रिएक्शन का डेल्टा जी बताना है। और इंडिविजुअली वन बीटेन का फॉर्मेशन का डेल्टा जी दिया हुआ है, तो सपोज एक्स एक्स मॉलिक्यूल से ये क्या बन रहा है, वन बूटीन, तो इसका डेल्टा जी दिया हुआ है फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन प्रोडक्ट की तरफ क्या होगा, वन बीटीन। ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी दी हुई है कितना, प्लस 71.39 किलो जूल पर मोल। अच्छा एक्स से क्या और बनेगा, आइसोमेरिक फॉर्म है, तो यही दोनों आइसोमेरिक है, दो अलग अलग प्रोडक्ट होता है, एक साथ वाई लिखता है, लेकिन एक ही आइसोमेरिक फॉर्म है, वन बुटीन पर सेकंड पोजीशन में चेंज कर रहा है, तो सेकंड ट्रांस टू बीटीन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी एफ इसकी वैल्यू हो जाएगा क्या, प्लस 63। तो इसलिए एक साथ था क्योंकि दोनों आइसोमेरिक फॉर्म है, तो एक ही सबस्ट्रेट से बनेगा। अब मुझे ये वाला कैसे इस दोनों रिएक्शन को लिखें कि ये फर्स्ट ये वाला रिएक्शन आ जाए, सिंपल है, इस फर्स्ट वाले को रिवर्स कर दे, रिवर्स करेंगे तो ये कैसा होगा, देखो वन ब्यूटीन गिव्स एक्स, ये हो गया थर्ड नंबर, तो इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस 71, रिवर्स कर दिया तो 39। तो बस सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दो, ऐड सेकेंड विथ थर्ड, तो ये क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल और वन ब्यूटीन इज ट्रांस टू ब्यूटीन, ये मिल गया जो क्वेश्चन में चाहिए था, ये क्वेश्चन में चाहिए था, ये मिल गया, तो इसका डेल्टा जी को क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो प्लस 71.39 माइनस, नहीं सॉरी ये माइनस हो गया, ये माइनस और ऊपर वाले को ये इसका प्लस 63, तो ये वैल्यू कितना आएगा, इसको रिवर्स नेगेटिव लेना क्योंकि ये रिवर्स कर दिया, तो इसको नेगेटिव लिया, तो अब सेकेंड और थर्ड का डेल्टा जी क्या आएगा, माइनस 71.3 प्लस 63.06, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू आएगा -8.33 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू डेल्टा जी फाइंड आउट कर। अब फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम, अब के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना, फाइंड आउट कर देंगे यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं, तो ये वैल्यू को हम लोग इसको लॉक कर रहा हूँ, तो डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड आउट है कितना है, -8.33 × 10³ कर देंगे तो ये जूल आ जाएगा, क्यों किया जूल में, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू 8.314 जो है जूल में, अच्छा माइनस माइनस इधर भी लगाएंगे 03 8.314। टी टेम्परेचर कितने का दिया हुआ है तो देख लें, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री, तो कैलकुलेट में कर लेंगे तो 273 प्लस 27 ये तो 300 आएगा, तो यहाँ लगाएंगे 300 इंटू के इक्विलिब्रियम लॉक की वैल्यू, यहाँ लॉक लगेगा लॉक, ठीक ये फाइंड आउट करेंगे, ये माइनस वैल्यू कैंसिल, अब आ जाएगा लॉक के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 8.33 × 10³ डिवाइड बाई 2.303 × 8.314 × 300, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आ रहा है कैलकुलेशन के बाद में कितना, ये आ रहा है 1.45, कैलकुलेट कर देना, आप अपना डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 1.45, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एंटी लॉग, इस तरफ लॉग जाएगा तो एंटी लॉग हो गया 1.45, तो इसकी वैल्यू आएगी 28.18, दिस इज द आंसर, तो इसका आंसर कितना होगा 28.18, ये चलिए, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन था सॉल्व हो गया। चलो अब आ रहे हैं 27th लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 16 मिलीवॉट मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट 4 × 10⁻⁶ फोटोन इन 1 सेकेंड
व्हेन द इंसिडेंट ऑन मेटल स्ट्रिप द फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड द वेव लेंथ ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू यहाँ पर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये मेटल सर्फेस है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ फॉल करा है मेटल सर्फेस पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ एग्जिट की और उस एग्जिट के तो उसका वेलोसिटी कितना है, तो डिपेंड करेगा मेटल के वर्क फंक्शन पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डाला और कितना वहाँ से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है एनर्जी, तो पावर ऑफ लाइट दिया हुआ, इंसिडेंट लाइट दिया हुआ पावर में, तो पावर होता है एनर्जी इंटू टी, ठीक है, सॉरी एनर्जी डिवाइड बाई टी, ये होता है। तो मुझे एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो एनर्जी फाइंड आउट करना तो पावर की वैल्यू से टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ कितना 16 मिली वॉट और इंटू सेकेंड, वन सेकेंड, तो ये हो गया क्या 16 इंटू 10^-3 जूल, एनर्जी का यूनिट जूल, ठीक है। लेकिन ये इसमें कितना फोटो निकल रहा है 4 × 10^6, इतना इसमें जो फोटो निकल रहा है 4 × 10^13 16 है, 16 फोटोन रिलीज होगा इस लाइट के सोर्स से, तो जो रिलीज होगा ये इतना होगा। तो पर फोटोन कितना होगा, पर फोटोन के लिए कितना होगा एनर्जी, क्योंकि एक एक फोटोन यहाँ पर डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो पर फोटोन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 16 × 10^-3 डिवाइड बाई 4 × 10^16, तो ये होगा एनर्जी पर फोटोन। तो ये वैल्यू कितना होगा 4×16 और ये वैल्यू पर गया तो 4 × 10^-19 जूल, ठीक है। ये वैल्यू ई निकल गया, वर्क दिया हुआ, वर्क फंक्शन दिया हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10^-19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी यूनिट हो जाएगा जूल। तो काइनेटिक एनर्जी को वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई इस तरफ 2 × 10^-19 नहीं सॉरी सॉरी 32, तो 32 इधर आएगा 3.2 यानी होगा 0.8, ठीक है। तो ये निकल गया आपका क्या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है वेवलेंथ ऑफ एमिटेड, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, यही पूछ रहा है, हाँ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अब काइनेटिक एनर्जी से हम लोग आगे का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे वेवलेंथ कैसे। अब यहाँ पे लगाएंगे दूसरा कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहता है डी ब्रॉगली इक्वेशन, कि एच बाई मोमेंटम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिएगा वहाँ पर दिया हुआ डिटेल में, तो अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मोमेंटम दिया हुआ है और ये मोमेंटम क्या होता है पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है, सॉरी ये लैम्डा होगा लैम्डा, तो एच बाई पी इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहता है एच डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू लैम्डा, एम क्या है एम एच क्या है प्लैंक कॉन्स्टेंट थक गया, पी इज इक्वल टू मोमेंटम और मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है m इंटू वी और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। तो मोमेंटम तो दिया हुआ नहीं है वैल्यू, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। इस काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में चेंज करते हैं, लेट अस डू काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू मोमेंटम p। तो कैसे चेंज करेंगे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर इसमें एम वी स्क्वायर है तो हाफ एम वी स्क्वायर में एक एम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी एक एम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर स्क्वायर, इस टू को इधर चले जाएं तो 2 × m × काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज ए पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 × m × काइनेटिक एनर्जी, यस यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में पी लिख दिया, तो पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 times मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। तो बस वैल्यू को पुट कर देते, काइनेटिक एनर्जी यहाँ दिया हुआ तो इस वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर H की वैल्यू दी हुई है, H की वैल्यू क्या दी हुई है देखिए, H की वैल्यू दी हुई है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट दिया 6.626 × 10^-34, P की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, हाँ 9.1 × 10^-31 kg, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 0.8 × 10^-19, यही आंसर होगा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो अब क्या फाइंड आउट कर लें, इसको पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 6.626 × 10^-34, और ये वैल्यू कितना आ गया, ये स्क्वायर रूट में अगर करेंगे, ये पूरा का पूरा मैं वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ,
करने के बाद सारा कैलकुलेशन आ रहा है 3.81 इंटू 10 पर माइनस 25। तो जब ये अब इसको फर्दर करें तो ये क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1.74 इंटू 10 पर माइनस 9। मैंने कर लिया पहले से ये लैम्डा वैल्यू, लेकिन यहाँ एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा शायद, हाँ एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में क्या करेंगे 17.4 इंटू 10 पर माइनस 10 मीटर हो जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम है, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। ये कितना आ गया 17.4 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया लैम्डा का वैल्यू 17.4। तो लैम्डा की वैल्यू इज इक्वल टू 17.4 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा लंबा था लेकिन ये क्वेश्चन पेपर ही 2022 का केमिस्ट्री का लंबा है, बहुत लंबा है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के थे 2022 गेट का सॉल्व कर दिया। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ अगर किसी डॉट क्वेश्चन में डाउट है जो नहीं समझा तो कमेंट कीजिए। और तो मैं भी पढ़कर बनाया हूँ, सर्च किया है, कुछ चीज़ें शायद हो सकता है मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया हो या गलत किया हो, तो आप मुझे करेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन लिखिए, मैं भी पढ़कर सीख रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई स्पेसिफिक और डिमांड है तो कमेंट सेक्शन लिखिए, मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का जब भी टाइम मिले। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।